वेलकम टू माय चैनल हर्ष व्लॉग। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं या फिर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोग जो बात करेंगे वो है एक मेंटेनेंस के बारे में। आप जब इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम करते हो तो वहाँ पे कितने तरह के मेंटेनेंस होते हैं और वो मेंटेनेंस को हम लोग कैसे प्लान करते हैं, इसके बारे में हम लोग ये वीडियो देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है आप लोगों को। और तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये जो मेंटेनेंस होता है ये मेनली पांच प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, दूसरा हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसको हम लोग शेड्यूल मेंटेनेंस भी बोलते हैं, तीसरा हो गया हमारा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर लेना, ठीक है, चौथा हमारा रिलायबिलिटी मेंटेनेंस और पांचवा है हमारा प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। तो दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके इन सभी मेंटेनेंस के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो पहला है हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा अगर आप किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम कर रहे हो और आपकी मशीन जो है प्रोडक्शन दे रही है तो जाहिर सी बात है उसमें ब्रेकडाउन भी आएगा, क्योंकि ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कि कंटिन्यूसली प्रोडक्शन दे बिना फेल्योर के। तो उस टाइम क्या करना पड़ता है लोगों को, जो हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है समटाइम्स, क्योंकि अगर उसमें अचानक कोई भी पार्ट्स डैमेज हो जाता है तो हमें ऑन द स्पॉट चेंज करना पड़ता है वो पार्ट को। अगर वो रिपेयर की कंडीशन में होता है तो रिपेयर भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपका मशीन में प्रॉब्लम क्या है। तो उसके बाद हम लोग उसका RCA फाइंड करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन प्लान देखते हैं उसका। और दोस्तों, दूसरा हमारा क्या है, प्रिवेंटिव और शेड्यूल मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान करते हैं किसी मशीन का, इससे हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग हर महीने एक, जैसे होता है कि हमारे पास पांच मशीनें हैं तो हम लोग वीकली या फिर मंथली अकॉर्डिंग टू प्लान उसको हम लोग शेड्यूल करते हैं और उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, जिससे कि उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो पहले ही सॉल्व हो जाती है, तो वो प्रोडक्शन के टाइम पे ब्रेकडाउन में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रिवेंटिव या फिर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस को प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तीसरा है हमारा प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव मतलब, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम कर रहे हो काफ़ी टाइम से तो आपको किसी भी चीज़ का, या आपका मोटर है या पंप है, उसको देख के ही आप बता सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कानों से सुन के, आंखों से देख के, ठीक है, आपके पास नाक भी है सुन के, अगर कहीं पे कुछ स्मेल आ रही है तो उससे पता चल जाएगा आपको कि एक्चुअली मशीन में क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होता है कि जब भी आप प्लांट का राउंड मारते हो, राउंड लेते हो, ठीक है, आपका कोई भी एरिया हो गया, बॉयलर्स हो गया, कंप्रेसर्स हो गया, ETP हो गया, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप उसके वाइब्रेशन से, उसके अलाइनमेंट से, वो आपको देख के पता चल जाता है कि इसमें कोई फॉल्ट आने वाला है, तो फॉल्ट आने से पहले आप उसको रिपेयर करवा लेते हो। ये हो गया प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। अब हम बात करते हैं प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं चौथे मेंटेनेंस के बारे में, जो कि प्रोएक्टिव मेंटेनेंस होता है। ये क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो हमारे पास कोई मशीन है वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग पूरा फुल्ली रिपेयर करते हैं और उसको इजीली अवेलेबल पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जब भी हम ये मशीन को लाइन पे लें तो इसके जो पार्ट्स होते हैं वो इजीली हमको मिल जाए और इसका ब्रेकडाउन कम से कम हो, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। अब हम बात करते हैं पांचवा मेंटेनेंस के बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी मेंटेनेंस। रिलायबिलिटी मेंटेनेंस वो मेंटेनेंस होता है जब हम कभी भी
कोई नई मशीन लेके आते हैं, कुछ इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई नई मशीन लाते हैं या फिर उसको जब इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग उसका जो शेड्यूल टाइम होता है वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कितने समय के बाद, कितने आवर के बाद, मंथली वीकली अकॉर्डिंग टू प्लान, कि हमको इसका मेंटेनेंस कब करना है। तो ये आता है रिलायबिलिटी मेंटेनेंस के अंदर। हम लोग काफ़ी रिलायबल हो जाते हैं अपने मशीन को लेके कि इसमें ब्रेकडाउन ना आए उससे पहले ही हम इसका सर्विसिंग कर देंगे, तो इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी मेंटेनेंस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।